MLP यानी मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। ये वो कॉमनली यूज प्लास्टिक रैपर्स हैं जो चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और ऐसे ही फूड प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये इजिली रिसाइकिल नहीं होते, इसीलिए हमें सड़क पे या कचरे में सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। और इन रैपर्स को डीकम्पोज होने में 450 ईयर्स से भी ज्यादा लग सकते हैं, और इन प्लास्टिक रैपर्स को हम हमेशा देख के इग्नोर कर देते हैं। पर पुणे की अमिता जी ने इसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि इसको अपसाइकिल करने का एक डिफरेंट तरीका निकाला। हाय, मैं हूँ अमिता और मैं इन सब से ये बनाती हूँ। दुनिया का 40% प्लास्टिक वेस्ट पैकेजिंग की ही वजह से जनरेट होता है, और क्योंकि ये प्लास्टिक रैपर्स ज्यादातर रिसाइकिल नहीं होते, इसी वजह से इन प्लास्टिक रैपर्स की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि ये 1 किलो सिर्फ 2 या 3 रुपए में ही बिक पाते हैं। पर अमिता जी बचपन से ही इन प्लास्टिक से होने वाले हार्म्स को समझने लगी थी। जब मैं 12-13 साल की थी, तब से ही मैंने डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज करना अवॉइड कर दिया था, और इसीलिए अमिता जी ने अपनी फ्यूचर स्टडीज भी सस्टेनेबिलिटी से ही की। मैं US गई और वहाँ पे मैंने सस्टेनेबिलिटी की स्टडी की, ताकि ये प्लास्टिक का प्रॉब्लम जो है इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश तो कर पाऊँ। फिर वापस इंडिया आके मैंने डिसाइड किया, यहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है मैं उन्हीं पे सॉल्व करने का काम करूँगी। और आज प्लास्टिक रैपर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, क्योंकि हर चीज ज्यादातर प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आती है। अब मेरे सामने 2 प्रॉब्लम्स थी, एक कि मैं ये सारे रैपर्स का क्या करूं, इसका क्या बनाऊं, और दूसरी कि मैं ये कहां से सोर्स करूं। तो अमिता जी ने डिसाइड किया कि वो ऐसा कुछ बनाएंगी जो फ्रीक्वेंटली यूज होता हो, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला आइटम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड होगी, और उतने ही ज्यादा प्लास्टिक रैपर्स रीयूज हो पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सब से लैपटॉप बैग्स, ग्रो पॉट्स, स्लिंग बैग्स और ऐसे कई सारी चीजें बना पाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया और आइडिया मेरे समझ में आ गया। पर अभी भी दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो इन रैपर्स को सोर्स कैसे करेंगी, एज इसको कबाड़ी वाला और रैक पिकर्स दोनों ही कलेक्ट नहीं करते। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करने के लिए मैंने काफ़ी सारे वेस्ट पिकर ऑर्गेनाइजेशंस, रैग पिकर्स के साथ बात करने की कोशिश की, और फाइनली मैंने उन्हें मना लिया कि वो ये वाला प्लास्टिक वेस्ट भी कलेक्ट करें और हमें वो अपसाइकिलिंग के लिए दे दे। और वेस्ट प्लास्टिक रैपर्स को अपसाइकिल करके कुछ डेली प्रोडक्ट्स बनाने की सोच के साथ अमिता जी ने प्लास्टिक अपसाइकिलिंग के काम के साथ शुरुआत की। हमारे प्रोडक्शन यूनिट में कोई हाईटेक टेक्नोलॉजीज हम यूज नहीं करते, बल्कि हम एक ट्रेडिशनल चरखा और हैंडलूम जैसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम ये सारे काम में हमारे जो ट्राइबल और रूरल महिलाएं और युवक हैं, उनको हम रोजगार देने की या लाइवलीहुड जनरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रीचरखा, क्योंकि हम चरखे को रिवाइव कर रहे हैं, और वो भी आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले वेस्ट को रैक पिकर से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको अपने वीविंग यूनिट में लेके उसको वॉश और सैनिटाइज करके ड्राई कर लेते हैं। फिर हम इसको अलग अलग कलर्स में सॉर्ट करते हैं, क्योंकि हम ये ओरिजिनल कलर्स जो प्लास्टिक के रैपर्स के हैं वो ही रिटेन करते हैं। फिर सिर्फ कैची से मैन्युअली हर एक रैपर को कट किया जाता है, और चरखा और हैंडलूम यूज करके इसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। पूरा काम मैन्युअली होता है। फिर हम इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में स्टिच करके डिजाइन करते हैं, और इस तरह से भी चरखा के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। वीविंग के बाद इन हैंड वुवन प्लास्टिक्स को अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में डिजाइन करके लैपटॉप बैग्स, कुशन कवर्स, साइड बैग्स जैसे आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस तरह से हम ये बहुत ही कम वैल्यू के नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट को इन ब्यूटीफुल सस्टेनेबल चीजों में कन्वर्ट करते हैं। अमिता जी अब तक 2 मिलियन प्लास्टिक बैग्स को अपसाइकिल कर चुकी हैं, जिसकी वजह से अराउंड 50,000 डेज ऑफ लाइवलीहुड भी जनरेट हुई है। अमिता जी के इस स्टार्टअप की वजह से सिर्फ एनवायरमेंट को ही बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि हजारों आर्टिसंस को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अगर आपको अपने प्लास्टिक रैपर्स कलेक्ट करके अमिता जी को भेजने हैं, तो आप इस एड्रेस पे उनको भेज सकते हैं। और अगर आप अमिता जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस ईमेल आईडी पे जाके एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको अमिता जी के स्टार्टअप ने
थोड़ा भी इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्लास्टिक रैपर्स को कलेक्ट करके अमिता जी को भेज पाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेंसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप EcoFreaks नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।